हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्निशियस एस साबड़े। इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं स्टट का थंडर हेलमेट, जो कि आखिरी में फ्लिपकार्ट ने मुझे फ्री में दे दिया। मतलब पहले मैंने इसके लिए पे किया था, लेकिन फ्लिपकार्ट ने वो रिफंड कर दिया। वो क्यों और कैसे, सारी प्रोसेस आप इस वीडियो में देखेंगे, तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। मैं स्टोरी के हिसाब से पूरे जो भी इवेंट्स हुए उस हिसाब से मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। तो चलिए पहले अनबॉक्स कर लेते हैं और साथ ही साथ में इसकी जानकारी भी मैं आपको देता रहूंगा कि क्या प्रॉब्लम था, क्या डिफेक्ट था इस प्रोडक्ट में और किस वजह से मुझे फ्लिपकार्ट ने इसकी रिफंड वैल्यू रिफंड कर दी। फॉरवर्डिंग द कंप्लेंट टू द सेलर फॉर रिफंड एंड डोंट एक्सपेक्ट द पिकअप विल नॉट हैपन, ओनली द अमाउंट विल गेट रिफंड। ओके, जो कि मैंने 18th ऑफ जुलाई को बुक किया था और 24th ऑफ जुलाई को ये मुझे डिलीवर हुआ था मेरे एड्रेस पे। तो ये डिलीवर होते ही जिस दिन मैंने खोला इसे, तो ये बॉक्स आप जब जो देख रहे हैं ये थोड़ा डिफेक्टेड दिख रहा है। ऊपर की पैकिंग तो अच्छी थी लेकिन अंदर की पैकेजिंग काफ़ी डैमेज थी, जैसे कि आप आगे देखेंगे। देखिए इसकी MRP वैल्यू जो कि है 1617, मतलब 1670 MRP है इसकी और मुझे पड़ा है ये 1558 में। ये देखिए आप लेबल में देख सकते हैं थंडर हेलमेट है। ये देखिए पूरा डैमेज है, पूरा बॉक्स डैमेज है। इस मैं हालांकि ये मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो शूट नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैं हर एक प्रोडक्ट को ऐसे वीडियो के सामने ही खोलता हूँ, तो यानी कि उसमें कोई डिफेक्टेड आइटम आ जाए या कुछ जो अनवांटेड आ जाए, जो हमें नहीं चाहिए था, तो वो एज ए प्रूफ के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करके ही खोलता हूँ। तो आप भी ज़रूर अपना वीडियो ऐसे ही खोलते रहिए, मतलब वीडियो के सामने अपना पैकेज खोलिए ऑनलाइन जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं आप। तो अभी हम इसके अनबॉक्स कर लेते हैं पहले फट से। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। और साथ ही साथ में वो लाइक इस वीडियो को शेयर भी करना मत भूलिए आपके दोस्तों के साथ। तो ये देखिए यहाँ पे कीमत वगैरह लिखी हुई है सारी। तो ये स्टट का थंडर हेलमेट है जो कि कलर काफ़ी पसंद आया था। ये रिटेल नेट करके सेलर है फ्लिपकार्ट पे, उससे मैंने ख़रीदा था। काफ़ी मतलब मुझे परेशानी हुई, फ्लिपकार्ट को सैल्यूट करना पड़ेगा इसके लिए। मतलब उन्होंने कस्टमर की केयर की और रिफंड कर दिया, लेकिन परेशानी हुई मुझे, वो मानना पड़ेगा। लेकिन प्रोडक्ट डिफेक्ट है, थोड़ा सा डिफेक्ट है, वो आप आगे देखेंगे। इस अनबॉक्सिंग में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा, स्क्रीनशॉट भी दूंगा उसके जो कि प्रोसेस हुई। ये वॉइस रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास जो कस्टमर की। ये देखिए आप, पूरा हेलमेट का वाइज़र है, वो पैकेजिंग देखिए, पूरी प्रॉपर पैकेजिंग है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बॉक्स डैमेज है और बॉक्स पे काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब इसे स्क्रैच हुआ है बॉक्स। तो उसमें मेरे ध्यान में आया कि ये प्रोडक्ट कई बार रिफंड गया होगा या कुछ रिटर्न गया होगा या कुछ हुआ होगा इसके लिए, तभी मुझे डाउट हुआ जब मैंने बॉक्स खोला। तो आगे मैंने वीडियो कंटिन्यू ही रखा, फिर वीडियो जैसे जैसे कंटिन्यू हुआ आगे आप देखेंगे इसमें स्क्रैच कहाँ पे है। स्क्रैच है, एक छोटी सी स्क्रैच है, लेकिन बहुत मैटर करती है वो स्क्रैच। ये देखिए इस पर MRP लिखी हुई है। ये जो वाइजर पे आप देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन गार्ड है ये फिर से लगाया हुआ है, नहीं तो स्क्रीन गार्ड नॉर्मली फ्लैट लगा हुआ आता है पूरा। इसमें जो एयर बबल्स वगैरह दिख रही है नहीं दिखे आते, ये एक मैंडेटरी चीज़ है। इसके कंफर्ट कुशन स्टट के हेलमेट के काफ़ी अच्छे हैं। ये इसके वारंटी कार्ड और जो कुछ भी इशू हो, मतलब यूज़र मैनुअल जो कुछ भी रहता है वो साइड में रख देता हूँ। तो इस हेलमेट में प्रॉब्लम ये था कि इसके जो वाइज़र है उस पर एक स्क्रैच थी, जो स्क्रैच काफ़ी डीप स्क्रैच है, वो आप इस वीडियो में देखेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन उसके वो जैसे मुझे दिखी इस अनबॉक्सिंग में, तो मैंने उसे नोट किया और फ्लिपकार्ट को रिटर्न रिक्वेस्ट रेज कर दी फ्लिपकार्ट के ऐप से। तो रिटर्न रिक्वेस्ट रेज करने के बाद फ्लिपकार्ट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग 7 डेज़ के अंदर फ्लिपकार्ट के एग्जीक्यूटिव आपके डोर स्टेप से वो प्रोडक्ट पिक कर लेगा, ऐसा होना चाहिए नॉर्मली तो प्रोसेस में, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। 5 दिन हो गए उसने वो एग्जीक्यूटिव ने पिक नहीं किया और मेरा रिटर्न रिक्वेस्ट जो है वो कैंसिल कर दिया सेलर के थ्रू। सेलर ने उसे रिटर्न को अनएक्सेप्टेड, कैंसल, डिलीवरी कैन नॉट बी पिक्ड फ्रॉम दिस पिन कोड, ऐसा कुछ इशू आ रहा था उनको। वो जब मैंने एग्जीक्यूटिव से बात की तो उन्होंने मुझे कहा,
उसके बाद उन एग्जीक्यूटिव को मैंने कहा कि आप फिर से मेरी रिटर्न की रिक्वेस्ट कीजिए, तो उन्होंने रिटर्न की रिक्वेस्ट फिर से कर दी। रिटर्न की रिक्वेस्ट फिर से कर देने के बाद उन्होंने उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी, तो उसके बाद में भी वो कोई पिक नहीं करने आया मेरे पास। तो अचानक दूसरे ही दिन मुझे फ्लिपकार्ट से कॉल आता है, जिस कॉल की रिकॉर्डिंग आप आगे सुनेंगे। वो कॉल के अनुसार उन्होंने कहा मुझे कि आप ये प्रोडक्ट अपने पास ही रखिए और सेलर के थ्रू हम इसको रिफंड कर देंगे, आपके पिन कोड से डिलीवरी मतलब पिकअप जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये प्रोडक्ट आप आपके पास रखिए या उसका कचरे के डिब्बे में फेंक दीजिए। ऐसा ही कहा है उन्होंने, फ्लिपकार्ट के एग्जीक्यूटिव ने। आप आगे सुनेंगे जो मैं रिकॉर्डिंग है और स्क्रीनशॉट भी है सारे, वो आपको दिखा दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो अमाउंट है वो हम आपको गिफ्ट कार्ड में, जैसे कि आपने पेमेंट किया था, वो आपको शिफ्ट कर देंगे, मतलब गिफ्ट कार्ड में फिर से ऐड कर देंगे, तो आप उसके रीयूज कर सकेंगे और आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी देनी नहीं है, मतलब रिटर्न देना नहीं है प्रोडक्ट। तो फ्लिपकार्ट ने एक अच्छा स्टेप लिया है कस्टमर के साथ, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए सैल्यूट है फ्लिपकार्ट को। तो ये आप स्क्रैच देखिए, इस हेलमेट पे ये थी स्क्रैच, छोटी सी स्क्रैच जो कि बीच में है, बिल्कुल बीच में है, जो ड्राइविंग करते समय आपको काफ़ी इरिटेट करती है। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, मैंने इस हेलमेट को अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी मतलब दिक्कत आती है, अंदर की तरफ से काफ़ी शार्प दिखती है, मतलब कोई गाड़ी आती है तो गाड़ी के बीच में आपको स्क्रैच पहले दिखते है और गाड़ी बाद में दिखती है, ऐसा होता है। अंदर के साइड से देख लीजिए एक बार, ये देखिए अंदर से भी काफ़ी डीप स्क्रैच है ये, मतलब बाहर से है स्क्रैच लेकिन अंदर से दिख आप जब भी पहनते हैं तो अंदर से आपको जो व्यू आता है उसके हिसाब से ये स्क्रैच बीच में आती है। देखिए आप यहाँ पे डीप स्क्रैच है। तो आगे आप वो रिकॉर्डिंग सुनिएगा जो फ्लिपकार्ट के एग्जीक्यूटिव के साथ मेरी हुई, जो उन्होंने कहा था, और साथ ही साथ वो स्क्रीनशॉट भी देख लीजिए सारे कि जो रिफंड कैसे क्रेडिट हुआ। हेलो यस थैंक यू फॉर बीइंग ऑनलाइन। हेलो यस सो द सेलर हैज कैंसल्ड दिस रिटर्न व्हिच यू रेज्ड थ्रू योर साइड यस्टरडे, सो प्लीज नाउ कॉल फॉर वन मिनट, आई एम फॉरवर्डिंग द कंप्लेंट टू द सेलर फॉर रिफंड एंड डोंट एक्सपेक्ट द पिकअप विल नॉट हैपन, ओनली द अमाउंट विल गेट रिफंड। ओके प्लीज नाउ कॉल फॉर वन मिनट। या थैंक यू फॉर बीइंग ऑनलाइन। या Yes, so you want to add any alternate mobile number in this request? Yeah. The number it's available. Yeah, it's available. Okay, sure. Thank you for confirming all the details. Okay. So what I need to do on from my side? No, nothing you have to do. Your amount has been refunded from seller side. In one business day, the amount will get added by tomorrow, 31st of July. You okay. can use the same gift card which you have used. Okay. 1558 amount is refunded. And the product will not get picked up. You can keep it with yourself. Okay. You can discard it or you can keep it with yourself. Okay. Will you tell me why this issue is going to happen? Yeah, because right now there is no some issue in pickup, so the courier team is unable to pick up the product from the address. Okay. So your amount has been refunded within one business day, na? Yeah, by tomorrow. Okay. So I am waiting for my refund. Yeah, it's been done. You would have got a SMS also on your number. Okay. Thank you. Yeah. So that's it. Is it anything remains? Yes. No. So gift card which you have used, you can again use it. Okay, no problem. Okay? Yeah, sure. Thank you very much. Only, जैसा कि आप लोगों को पता चला, ये screenshots है कुछ जो मैं आपके साथ share करना चाहूँगा। पहला order की related screenshot है जो कब deliver हुआ और कब मैंने बुक किया था। दूसरा जो है वो उसकी रिटर्न रिफंड रिक्वेस्ट है, उसमें आप अमाउंट भी ठीक तरीके से देख सकते हैं, रिफंड क्रेडिटेड भी दिख रहा है। और तीसरा जो है ये, इसमें जो अमाउंट है वो मेरे गिफ्ट कार्ड में क्रेडिट कर दी गई है, जो आप देख रहे हैं ये अमाउंट भी क्रेडिट हो गई। इसका SMS है, इसका स्क्रीनशॉट है। तो फ्लिपकार्ट को मैं यहाँ पे सैल्यूट देना चाहूँगा, काफ़ी अच्छी उन्होंने
कस्टमर की केयर की है, मतलब कस्टमर के जो प्रॉब्लम था उसे समझा है और सेलर के साथ बातचीत करके उसे रिफंड की रिक्वेस्ट रेज करके दी है। रिफंड के साथ साथ वो प्रोडक्ट मेरे से रिफंड नहीं हुआ और प्रोडक्ट अभी भी मेरे पास है और फ्लिपकार्ट ने मेरी अमाउंट जो है वो आप जैसा कि स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं उन्होंने मेरे गिफ्ट कार्ड में क्रेडिट कर दी है। तो फ्लिपकार्ट काफ़ी अच्छी सर्विस दे रहा है नए इंडिया के साथ। थैंक यू।